उन लोगों को पता चलता था ये हिंदू है तो वो दफनाने भी नहीं देते थे हमें। हाँ तो मतलब आप छुप कर बोलते नहीं थे। मिर्जा क्या कर सकते हैं। आया, इनका आने वाला था, और लेकिन इनका देहांत हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अभी तो मेरे वहां पे परिवार है, कुछ ऐसा बोल नहीं सकता हूँ, नहीं आज खुल के नहीं बोल सकते हो। बोल सकता। जाते हैं काम पर, ये टेंशन नहीं होती है पीछे, वहां पे जाते तो हमारी टेंशन, बच्चों की टेंशन होती है। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आप ये फोटो देख रहे हो और ये जो आसपास इस फोटो में जो ये शख्स हैं दोस्तों, और जो ये बच्चे हैं, इसमें से कुछ बच्चे तो मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये जो दोस्तों कुछ बच्चे हैं ये पाकिस्तान में हैं। जो ये शख्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं बुजुर्ग शख्स, ये इस भाई के पिताजी हैं। इनका देहांत दोस्तों 9वें महीने में, सितंबर 2023 लास्ट ईयर में हुआ है। और आपको ये जानकर हैरत होगी दोस्तों, ये हिंदू पर्सन है और इनको ये परिवार वहां पर जला नहीं पाया इनकी डेड बॉडी को, इनको दफना कर आए हैं। और ये दोस्तों समस्या कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जो ये एक संस्कार है दोस्तों हिंदू समाज में कि जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो उसका दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन ये जो पाकिस्तानी हिंदू फैमिलीज हैं दोस्तों, जो वहां रहती हैं, ये दाह संस्कार नहीं करके आई, ये इनको दफना कर आई हैं। और ये अपने पिताजी की इनकी ख्वाहिश थी कि कुछ भी करके इंडिया चले जाओ। और आप एक अनफॉर्चुनेट पार्ट देखिए, इनका अंकल का वीजा लगा भी था, वीजा आया, इनका आने वाला था, और लेकिन इनका देहांत हो गया, एक्सीडेंट हो गया। ये क्या स्टोरी है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और क्यों दोस्तों हम लोग अभी इस परिवार के साथ यहाँ बैठे हैं, जो दोस्तों ये परिवार है, ये नया परिवार है। हाल फिलहाल में दोस्तों 8-10 दिन पहले ये पाकिस्तान से भारत आया है। इस परिवार की क्या सिचुएशन है और ये जो अंकल है, इनके पिताजी हैं, इनके साथ वहां पर क्या हुआ, इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं चाहता हूँ दोस्तों देश विदेश का हिंदू समाज इकट्ठा आए, संगठित आए और ग्राउंड पे इकट्ठा आए। पॉलिटिकली दोस्तों हम लोग अलाइंड हो चुके हैं, पॉलिटिकली हम लोग सिंक हो चुके हैं, लेकिन सामाजिक लेवल पे अभी भी हिंदू इकट्ठा नहीं है। गरीब परिवार इतने सारे हैं, इतनी मुश्किलों में लोग कुछ कुछ परिवार जी रहे हैं, और हम दो एज ए कॉमन हिंदू वी हैव नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग टू द हिंदू लिविंग नेक्स्ट डोर। अपने मोहल्ले में कुछ ऐसे परिवारों को जिनको हमारी जरूरत है हमें नहीं पता, अपने सिटी में नहीं पता, दूसरे स्टेट में नहीं पता। ये संगठन दोस्तों जो हिंदू सम्मान फाउंडेशन जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, इसलिए बनाया है ताकि ऐसे परिवारों तक हम रीच आउट करें और हिंदू ही हिंदुओं की मदद करें। स्टे ट्यून। भैया क्या नाम है आपका? राबेल। राबेल। कितनी उम्र आपकी? 32 साल। 32 साल। दीदी आपका क्या नाम है? रोशनी। रोशनी आपकी क्या उम्र है? 52 साल हो गई। 27 साल। 27 साल। 27 साल की उम्र है। और ये बिटिया का क्या नाम है? करीना। करीना। आपकी माता जी पीछे? जी जी माता। उनका क्या नाम है? नदीराम। नदीराम जी जी और आप हिंदू हैं? जी जी नदीराम। और आपका क्या नाम है? हाय साहिल। ओके दोस्तों, और इसका क्या नाम है? आपका क्या नाम? उधर देखो क्या नाम है आपका? बोलना नहीं आता इसको भी। इसका क्या नाम है तेरे भाई का? सागर। सागर। दोस्तों ये परिवार है दोस्तों, राबिल इनका नाम है और नदीरा आपकी मम्मी का नाम है। ये पिताजी के साथ जो घटना हुई, क्या हुई, आपने अपने पिताजी के बारे में बताओ, क्या इनके साथ क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ था। तो ये आप इनको जला नहीं पाए? नहीं, बॉडी को वहां पे दफनाया जाता है। ये आप लोग हिंदू हैं? जी जी हम लोग। फिर वहां पर आप दफनाते क्यों हो, मतलब वहां पे क्या क्या वजह है, जरा सबको समझाओ। वहां पे दफनाया जाता है, वहां पे जलाया नहीं जाता है। क्या वजह? मुसलमान आपको रोक टोक करते हैं? जी जी दफनाने जलाने पर। आप सारे मतलब जितने भी लोग वहां पर, आप हिंदू रहते, आप रहते कहाँ थे वहां पे? गोटकी। गोटकी में। तो आप वहां पर दफनाते थे? जी। तो रीति रिवाज मुस्लिमों का था कि रीति रिवाज हिंदुओं का था? ना रीति रिवाज तो हिंदुओं का था, लेकिन दफनाना पड़ता था। फिर अभी वो टोपी पहनकर जाते थे उसमें कब्रिस्तान में, कि आपका अलग कब्रिस्तान था हिंदुओं का? नहीं नहीं एक ही कब्रिस्तान। एक ही कब्रिस्तान था, मतलब देखने वाले को ये लगता था कि मुसलमानों की ही मरती हुई है, ऐसे होता था? जी जी फिर किसी मौलवी वगैरह को बुलाते थे आप? नहीं नहीं मौलवी को नहीं बुलाते थे। नहीं नहीं मौलवी को नहीं, लेकिन उन लोगों को पता चलता था ये हिंदू है तो वो दफनाने भी नहीं देते थे हमें।
तो मतलब आप छुप कर बोलते नहीं थे। हाँ, क्या कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में यहाँ लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में जुल्म है, लेकिन कितना जुल्म है ये नहीं पता, और हम यहाँ पर हमें नहीं पता वाकई में कि पाकिस्तान में क्या है, ये खबरें नहीं हमारे पास आती। जैसे आप ये कह रहे हो कि आप मुसलमानों के कब्रिस्तान में ही हिंदू लोग भी अपने जो कोई मर जाता है उसको दफनाने जाते हैं, तो फिर अगर आप जैसे मान लो किसी को पता लग जाए कि भाई हिंदू है, तो फिर क्या करते थे वो? नहीं दफना देते। फिर उस केस में क्या होता था? क्या करते थे? कुछ दफना नहीं देते थे, कुछ नहीं दफना नहीं देते थे, वहां पे बोलते हैं हिंदू लोग। तो जैसे आपके पिताजी, आपके पिताजी का जो इनकी मृत्यु कैसे हुई? एक्सीडेंट की वजह से हुई। आप कब आए पाकिस्तान से यहाँ भारत में? तकरीबन 15 दिन हो गए। क्या वजह आपके निकलने की वहां से? महंगाई थी और कुछ मसले थे। अभी तो मेरे वहाँ पे परिवार है, कुछ ऐसा बोल नहीं सकता हूँ। आज खुल के नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। कौन कौन है वहाँ पे घर पे आपके? मेरी 5 बहनें हैं वहाँ पे, एक बड़ा भाई है और रिश्तेदार भी है करीबी। ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, बाद में पछताना पड़े। होता है जैसे कुछ लोग यहाँ से वीडियो में कुछ बोलते हैं, फिर वहां पर कोई ऐसी कुछ आपके से जबरदस्तियां होती है वहां पर, कुछ ऐसा कुछ होता है जैसे आप डर रहे हो कि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो मेरे रिश्तेदार वहां पर खतरे में आ जाएंगे? हो सकता है, कुछ भी मैं गलत बोलूंगा तो कुछ ना कुछ खतरे में। जैसे आप भारत में आए हो, यहाँ पर जो हिंदू है आपके समाज के लोग जो है यहाँ पर ना, ये तो अपने जो मृतक होते हैं उनको जलाते हैं, तो वहां पर जो जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, तो आपको बुरा लगता है कि वहां पर आपको दफनाना पड़ता था और यहाँ पर आजादी है, यहाँ पर आप अपना धर्म यहाँ चला सकते हो? यहाँ पे हमें अच्छा लग रहा है अपना धर्म है, यहाँ पता कह रहा है, वहाँ पे तो हमें कुछ भी पता नहीं है। किसी को बोल कर आए हो कि वहाँ आप पाकिस्तान से भारत आ रहे थे? भाई पता है, बाकी किसी को नहीं? शुक्र है। वहां पर कहाँ रहते थे? अपना घर था? नहीं, अपना कहाँ रहते? झुग्गी में रहते थे? कैसे? झुग्गी में रहते। झुग्गी में रहते? क्या काम करते थे वहाँ पे आप? मजदूर करते थे, सेल वगैरह मजदूरी करते? हाँ, दिहाड़ी करते थे। और अब यहाँ पर आए हो तो क्या पैसे लेकर आए हो? पैसे किराया करके मस्त होते हैं यहाँ पे। कैसे रहोगे यहाँ पर? आपकी सपोर्ट चाहिए हमें। अच्छा, तो किसी को कुछ आसरा था जिसके आसरे भारत आए हो? किसी आसरे के साथ भारत आए हो? किसी आपका ही आसरा था, रिश्तेदार थे, बोला वहाँ पे जाएंगे, हमारी हेल्प होगी। वहाँ पे तो कुछ नहीं मिलता था। जैसे हम सुनते हैं कि बहुत सारे वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ आपके वाक्य ऐसे हुए हैं जहाँ हिंदू तंग हुए हो, कुछ परेशान हुए हो आपके एरिया में जहाँ आप रहते थे, वहाँ पर कोई ऐसी बात हुई है? बातें तो बहुत हुई है वहाँ पे, नहीं बोल सकते। सब हिंदू डरते हैं पर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप जो भारत आके आप क्यों डर रहे हो? परिवार पीछे परिवार वो बदला देते हैं, लेने आते हैं लोग वहाँ पे? अगर मैं बोलूंगा तो सारी बात है वहाँ पे, पैसा तो उनको पड़ेगा। तो आपके रिश्तेदार भी आपको बोलते हैं कि भारत जा रहे हो, कुछ 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 इधर गिला मत करना, कुछ बताना मत? तो कहते हैं ना ऐसा नहीं, यहाँ पे रह रहे हैं तुम तो निकल गए, हमारे लिए परेशान। ये सुनारियो आपने समझा, ये परिवार दोस्तों अपने पिताजी को दफना कर आया है, हिंदू परिवार है, ऐसा क्यों आया है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास इसका क्या आंसर है? इस समस्या से कैसे निपटा जाए? मैं चाहता हूँ दोस्तों कमेंट में करें। हमने संगठन तो बनाया और हम काफी हद आपकी आपके सहयोग से हम काफी लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो मूलभूत प्रॉब्लम है, ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस एक ऑलमोस्ट हर कॉन्स्टिट्यूशन में, हर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में एक मूलभूत अधिकार है जो हर ह्यूमन बीइंग को मिलना चाहिए। यूएन की इतनी सारी कन्वेंशन हैं जहां पर प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन भी है, जो हमारा देश का जो संविधान है वो भी आज़ादी देता है, खासतौर से माइनॉरिटीज को यहां पर आज़ादी देता है। लेकिन 1947 में जो 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 पार्टीशन हुआ उसके बाद पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, यह आपने इस वीडियो में अभी सुना, और क्यों इनको दफनाना पड़ रहा है, क्यों ऐसा एक ह्यूमिलिएटेड जो 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 एक लास्ट राइट है किसी भी डेड बॉडी के साथ में, क्यों वो परफॉर्म नहीं कर पाती फैमिली? दिस इज अ क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑन नॉट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
ये भारत के जो 110 करोड़ हिंदू सोसाइटी है उसके लिए क्वेश्चन है, आपने इसके लिए कब आवाज उठाई? वन सेकेंड थिंग दोस्तों, जैसे भाई ने कहा कि ये खुल के किस वजह से ये पाकिस्तान से आए, खुल के नहीं बोल सकते बिकॉज देयर इज एलिमेंट ऑफ थ्रेट या एलिमेंट ऑफ फियर। भारत से जहां ये रहते हैं वो तो कई हजार किलोमीटर दूर है, क्यों पाकिस्तान का हिंदू भारत में खुल के अपनी बात नहीं कर सकता? दिस इज ए क्वेश्चन अगेन ऑन द हिंदू सोसाइटी, आपने इनके लिए क्या करा? आई वांट यू टू कमेंट ऑन दीज टू पॉइंट्स। और आपके पास क्या ऐसा सोल्यूशन है कि यहाँ ये जो भारत में जो ये पाकिस्तान से हिंदू आते हैं ये खुलकर अपनी बात कर पाए? एंड द थर्ड थिंग विच आई वॉन्ट टू हाईलाइट हियर इज वी एज ए कंट्री, वी एज ए सॉवरेन नेशन, व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ? 77 साल में क्या हो तो अलग बात है, वी एज अ सॉवरेन कंट्री व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ दीज पाकिस्तानी हिंदू? व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ बांग्लादेशी हिंदू? व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ अफगानिस्तान हिंदू? सो दिस इज अ क्वेश्चन विच रिमेन्स ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया एज अ सॉवरेन कंट्री हैज नॉट बीन एबल टू डू एनी जस्टिस to the Hindus of Pakistan. That is the reason we created this organization, and I want you to understand this issue. We are a non-political organization. Our all focus in all our videos is on Hindu society. Hindu society kya kar rahi hai? Ye main videos mein bolta hun. Not the government kya kar rahi hai. Our government is already doing very, very good, but we as a Hindu society kya kar rahe hai? This is a question. We create these videos taki aap log awaaz uthaye और हमारे गवर्नमेंट को आप पुश कर सके एट ऑल फ्रंट। आप बताओ, आप पाकिस्तान से आए हो, कितने पैसे लेकर आए थे? नहीं, किराया आए, बस किराया लेकर आए थे। जैसे आपके पिता हस्बैंड वहाँ पर ये मजदूरी करते थे, आप क्या करते थे वहाँ पर? क्या करूँ, गरीब होते हैं, बस बैठे रहते हैं। बच्चे पढ़ते थे आपके वहाँ पे? नहीं पढ़ते थे। क्या वजह थी पढ़ने की? बस उठाते और डर लगता था। क्या उठाते थे? बच्चों को उठाते हैं? बच्चों को उठाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठाते जाते हैं। हिंदुओं के बच्चों को उठाते हैं कि सबके बच्चों को उठाते हैं? हिंदुओं का भी उठाते हैं, खास करके हिंदू को उठाते हैं। फिर क्या मांगते हैं वो? पैसे मांगते हैं, 2 लाख 1 लाख। हम गरीब है, कैसे देंगे? 5 लाख मांगते हैं, हमारे पास कहाँ से है? ऐसा वाक्य हुए आपके उधर? यही बात होते हैं। तो फिर क्या करते, जैसे अभी होता इस वजह से स्कूल नहीं भेजते थे बच्चों को? यहाँ आए हो तो यहाँ बच्चों को स्कूल भेजोगे? हाँ, यहाँ भी भेजेंगे, यहाँ पे हमें अच्छा लग रहा है, बच्चे आजाद हैं, घूमने आजाद हैं, पढ़ाई करेंगे। वहाँ बच्चे ऐसे घूमते फिरते थे? नहीं, डर लगता था। घर के अंदर ही बच्चों को बंद करते थे? क्या करें, मजबूरी थी, वो लगता था दो ठा जाएंगे। तो उनको कैसे पता लगता था कि आप हिंदुओं के बच्चे हो? बस पता लग जाता है, यहाँ जैसे यहाँ पे बैठे हैं 15 या 5 घर, यहाँ पे भी ऐसे ही बैठे हैं, तो गांव के लोगों को पता चल जाता है ये हिंदू है ये मुसलमान है। हिंदू तो वहाँ पे अलग किस्म के हैं। ठीक है, तो आज जैसे त्यौहार होता था, जैसे होली दिवाली ऐसे जो त्यौहार होते थे, ये आप खुल के मनाते थे वहाँ पर? अपने घर में मनाते थे, बाहर नहीं? नहीं, बाहर। जैसे दीदी आपने देखा, आपने भी सिंदूर लगा रखा है, तो ये सिंदूर और टीका वहाँ लगाते थे? लगाते थे नहीं, पर घर से लगाते थे, बाहर नहीं लगाते थे। बाहर नहीं? आप भी बुर्का करते थे बाहर जाकर? कहा जाते थे बुर्का करके जाते थे? ऐसे नकाब करते थे? आप बताओ, आपने हमें यहाँ बुलाया, क्या मदद चाहिए आपको, क्या मदद करें आपकी? हमें चाहिए, हमारे पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, कारोबार के लिए चाहिए। ये जो अभी रह रहे हो तो ये जो कमरा है ये क्या है, आपका अपना है क्या? नहीं, है ये कितना किराया है इसका? 2000 रुपये किराया है। और ये पानी भी अलग है, बिजली भी अलग है। पानी बिजली अलग है। सामान क्या है आपका, आपका घर देखें पहले? हाँ, देखते हैं, ये हमारा घर है, ये भी और किसी ने दिया है, अपना कुछ भी नहीं, आवाम से कुछ भी नहीं लेके आए। कितना खर्चा करके आए वहाँ से? वहाँ खर्चा तो क्या बताएं आपको? बोलो, तभी खर्चे तो बोल सकते हो, उसमें डरने वाली बात नहीं है। 2 लाख खर्चा हुआ है। 2 लाख खर्चा हुआ अपना। कितने समय से पैसे जोड़ रहे थे वहाँ पे यहाँ आने के लिए? सब दाढ़ी सफेद हो गई। अच्छा,
धीरे धीरे कमाते थे, आज इसका पासपोर्ट बनाया कल उसका, ऐसे ही एक साल तो नहीं बना सकते थे, मेहनत कर रहे थे काफी समय से, आप कोशिश कर रहे थे। और हिंदू परिवार है वहाँ पर, वो भी ऐसे ही मेहनत करके आए, कुछ आएंगे। आपका घर देखें, तुम अपना घर दिखाओगे मेरे को? साहिल दोस्तों, साहिल अपना घर दिखाएगा, आप लोग अपना घर दिखाओगे। ये आपकी चारपाई अपनी है? नहीं, पड़ोसी की है। ये भी पड़ोसी की है, वो भी, ये पंखा भी पड़ोसी का है, ये हम बिस्तर भी पड़ोसी के है। जैसे दोस्तों नए परिवार जब आते हैं पाकिस्तान से, तो ये आप चारपाई का हाल देख रहे हैं, इस तरीके से चारपाई जो एक्स्ट्रा चारपाई होती है पड़ोसियों की, वो इनको मिलती है। एक छोटी चारपाई है और कुछ बिस्तर, जैसे ये पंखा, ये पंखा भी आपका अपना है? नहीं नहीं, ये भी पड़ोसी ने दिया है चलाने के लिए कुछ टाइम के लिए। अब चलो तुम और अपना, ये इधर देखो दोस्तों, इधर इनका किचन, मैं आपको किचन दिखाता हूँ। ये इनका किचन है दोस्तों, ठीक है। ये जो किचन में जो आपका ये गैस है, ये आपका अपना है? नहीं नहीं, किसने दिया है? ये पड़ोसी ने दिया, दो तीन जला पड़ोसी ने दिया। ये माता जी बात कर रहे थे हिंदी? नहीं, इसे हिंदी नहीं आती। आप माता जी से बात करते हैं दोस्तों। माता जी क्या नाम आपका? कहा नाम है? नजीरा। नजीरा तो मुसलमान नाम होता है, ये नजीरा कैसे? वही की रिहाइश है पैदा, इसलिए नाम ऐसे नाम रखते हैं। आपको हिंदी आती है? ना, क्या भाषा बोलते हैं आप? सिंधी बोलते हैं आप? सिंधी बोलो, सब लोग आपको देख रहे हैं, कुछ बोलो सिंधी में। मदद करता है, क्या बोला लोगों ने? इसने बोला मेरा पति का देहांत हो गया है, मेरे बच्चे हैं, उनको लिए कुछ चाहिए, हमें हमारी हेल्प की जाए, मेरा एक बेटा है वहां पे। क्या क्या मदद करे माता जी आपकी, बताओ क्या मदद, क्या क्या चाहिए मदद आपको? बर्तन में चार चाहिए। क्या क्या बता रहे हैं आप बताओ? अंग बिस्तरे वगैरह हेल्प चाहिए, खाने पीने के लिए कुछ सामान चाहिए, कुछ भी नहीं है हमारे पास, वहां से आए खाली आए। जैसे रबेल आप आए हो यहाँ पर, अभी क्या करोगे यहाँ पर, कैसे अपनी जिंदगी कैसे गुजर बसर हो, क्या कर रहे हो आप? मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पे, मजदूरी कर रहे हैं। भी हम खुश हैं, बहुत सुकून आ रहा है, सुकून आ रहा है जी, बहुत सुकून। घर का माहौल खत्म हो गया, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, जाते हैं काम पर, ये टेंशन नहीं होती है पीछे, वहाँ पे जाते हो हमारी टेंशन, बच्चों की टेंशन होती है, बच्चे नहीं दे सकते थे वगैरह, परेशानी यहाँ पे, परेशानी। जैसे आपकी मम्मी कह रही है चीजें चाहिए, क्या ऐसी बेसिक चीजें आपको चाहिए? घर सामान, घर चाहिए, सामान वगैरह चाहिए, काम करने के लिए कुछ चाहिए। क्या काम कर सकते हो आप? कोई छोटा मोटा वगैरह। वहाँ पर क्या काम करते थे समझाओ सबको? वहाँ पे सेल करते थे, सप्लाई करते थे, किस चीज की सप्लाई? चिप्स वगैरह की, चिप्स वगैरह जी, चिप्स पैकेट बने होते हैं वो सप्लाई कर सकते हैं, होलसेल से लेकर बाहर दुकानों में। क्या कमाई थी उसकी वहाँ पे? वहाँ पे बनती थी 800,000 जी, महंगाई ज्यादा थी वहाँ पे, महंगाई है बहुत ज्यादा वहाँ पे। दोस्तों ये सिचुएशन आपने फैमिली की समझी, इस फैमिली को दोस्तों बेसिक हेल्प चाहिए, जैसे चारपाइयां चाहिए इनको दोस्तों, इनको बर्तन चाहिए, उनको राशन की हेल्प चाहिए, उस भाई को काम धंधे में सपोर्ट चाहिए। एक चीज दोस्तों मैं आपको हाईलाइट करवाऊँ यहाँ पर, जो आपको समझने की जरूरत है। 77 ईयर से दोस्तों पाकिस्तान का हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, तो हमारे देश का चलो सरकारी सिस्टम तो आप समझ गए, हमारे देश का सरकारी सिस्टम तो नहीं हेल्पफुल है, हमारे देश का सामाजिक सिस्टम खड़ा है। आइए इस बारे में बात करते हैं। जैसे आप आए हो 15 दिन हो गए ना आप आए हुए जी, 15 किसी हिंदू संस्था में, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में, तंजीम में आपको यहाँ पर पूछताछ करी आपकी? किसी ने? ये आप आए? पहली बार आए? पहली बार आप? कोई भी नहीं, किसी ने मदद नहीं, किसी ने मदद नहीं की, आपका शुक्रिया, आप आए हैं हमारे बातचीत करने, हमारी हेल्प करने, कोई भी नहीं आया। जब पाकिस्तान से चले थे तो लगा, सोचा था आपने कोई हिंदू संस्था आएगी मदद करेगी? तो सोचा था हमारी हेल्प होगी, हमारी सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसे ही बैठे थे। आप आए हैं, आप पूछ रहे हैं, बस टाइम से तो आप आए, कोई भी नहीं, किसी भी नहीं पूछा हमें,
दोस्तों ये चीज मैंने, ये क्वेश्चन मैंने इनसे क्यों पूछा, ताकि आपको ये समझ में आए कि पॉलिटिकली हम लोग अलाइंड है, पॉलिटिकली हम लोग एक्टिव है एज ए हिंदू सोसाइटी, लेकिन सामाजिक स्तर पर जीरो दोस्तों, जीरो है हम लोग अभी, हम लोग सामाजिक स्तर पर जुड़े नहीं है। ऐसे कमजोर परिवार जहां पर चारपाई नहीं है, जहां पर बर्तन नहीं है, राशन नहीं है, जहां पर खाने को कोई समस्या जो इशू है, तो बुजुर्ग माता जी है, इनके इस भाई के पास काम नहीं है, और पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आया है, लेकिन हमारे देश में ना सरकारी तंत्र इनके लिए काम करता है, ना ही हमारे देश में कोई सामाजिक तंत्र इनके लिए काम करता है। संगठन बनाने का कारण दोस्तों यही है हमारा, ताकि हिंदुओं की जो मदद, जो वनरेबल हिंदू, जो ऐसे कमजोर परिवारों की मदद फटाफट हो सके। मैं चाहता हूँ दोस्तों आप सामने आए, इस भाई के लिए हम दोस्तों थोड़ा सा मेक ओवर करते हैं, इसको चारपाई कुछ देते हैं, कुछ पंखे देते हैं इसको दोस्तों, राशन का व्यवस्था करते हैं इनके लिए, और इनके लिए चूल्हे की व्यवस्था करते हैं, कुछ बिस्तर इनको देते हैं, और काम की दोस्तों इस भाई की हेल्प करते हैं। अकाउंट यू टू सपोर्ट HSF, माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, अकाउंट डिटेल्स और HSF भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप उनसे बात कर सकते हैं। इस परिवार के लिए कोई सपोर्ट करना चाहे तो प्लीज मेरे को कॉन्टैक्ट करें। और संगठन बनाने का दोस्तों दूसरा उद्देश्य भी ये है, लाइट मूड में, कि हम इनके चेहरों पर थोड़ी स्माइल ला सकें। तो ये चीजें आप, जैसे आपने बताया चारपाई चाहिए आपको, पंखा चाहिए, बर्तन चाहिए, राशन चाहिए, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा सुकून की लाइफ हो जाएगी आपकी, मिलेगा सुकून मिलेगा, है ना। कम से कम आपको ये बेसिक चीजें तो नहीं जोड़नी पड़ेंगी, जो मजदूरी कर रहे हो खाना पीना तो चला पाओगे ना, काम धंधे में क्या हेल्प करें, काम धंधा क्या चाहिए आपको, सेल का कुछ काम कर सकते हो, किस पर कैसे क्या सेल करना चाहते हो, ये चिप्स वगैरह होलसेल में जैसे दुकानों में देते हैं वगैरह, होलसेल में जैसे कर सकते हैं, जिसका काम का आपको अनुभव है, करा हुआ पहले आपने जी। दोस्तों प्लीज कॉन्टेक्ट मी, हम इनके साथ और ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, समझेंगे कि दोस्तों यहाँ पर बिजनेस क्या कर सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द बेसिक सपोर्ट फॉर दिस फैमिली दोस्तों। आई वॉन्ट यू टू कॉन्टैक्ट, आई वॉन्ट यू टू कॉन्ट्रीब्यूट HSF, एंड आई वॉन्ट यू टू सपोर्ट HSF, ताकि हम ऐसे परिवारों तक, जितने भी देश में ऐसे परिवार हैं, पाकिस्तान से ही नहीं भारत के भी जो देश के ऐसे हिंदू परिवार हैं, जो जो वल्नरेबल है, जिनको हेल्प की जरूरत है, वो हमें अप्रोच करें और हम इन तक पहुंचे। हिंदुओं का मतलब दोस्तों हमारे लिए सिख, जैन, बुद्धिस्ट और सारे हिंदू हैं, हम हिंदुओं में जातवात नहीं मानते, और पाकिस्तान के हिंदुओं को खासतौर से मृतक लोगों को एक रिस्पेक्टफुल उनको विदाई मिले। अगर कोई हिंदू परिवार है और उसमें किसी की डेथ होती है, उसकी रिस्पेक्टफुल विदाई हो, उनका दाह संस्कार हो, अग्नि संस्कार हो उनका, मैं चाहता हूँ इसके लिए आप हमारे देश की फॉरेन मिनिस्ट्री को, पाकिस्तान में बैठे हमारे एम्बेसडर को, हमारे देश की सारी अपोजिशन पार्टीज को टैग करें, उनको मैसेज करें, और ह्यूमैनिटेरियन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन थे उनको आप टैग करें, उनको बोलें कि भाई पाकिस्तान में हिंदू अगर आपने अपने मृतकों को जला भी नहीं पा रहा है तो आपके एग्जिस्टेंस का क्या फायदा, और आप किस बात की हमारे देश से, या जो 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 जो, जो टैक्स पेइंग पॉपुलेशन है, इनके टैक्स की सैलरी आप क्या लेकर क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय।